रुद्र, तुमने भी मुझे गलत समझा। किससे कहूं, कौन मेरी बात का विश्वास करेगा कि तू जो भी कह रही है वो सब झूठ है, इसकी चाल है। वो हम दोनों को अलग करना चाहती है। रिलैक्स गौरी, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जिसे दर्द का तजुर्बा हो उसे दूसरों का दर्द बड़ी आसानी से समझ में आता है। वैसे आज तक तुम मेरी परेशानी ही नहीं समझ पाई, लेकिन आज समझ ही नहीं बल्कि फील भी कर पा रही हूँ। तुम बहुत थक गई हो, ये लो पानी पी लो। लो, तुम्हारे सारे सपने, उम्मीदें, आशाएं सब पानी पानी हो गए। तो कैसा लगा तुम्हें रुद्र की कड़वी बात सुनकर, तलाक की बात सुनकर? आई एम श्योर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। तुम भी ना मेरी बात सुनती कहाँ हो? कहा था तुमसे कि तुम्हारी इन बातों से, जज्बातों से, मुलाकातों से तुम्हारी शादी नहीं बचने वाली। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है पीहू कि मेरी शादी बचेगी या नहीं। कैसे बच पाएगी, अब तुम ही बताओ। शादी बचाने के लिए पहले एक रिश्ता कायम करना पड़ता है, झूठा ही सही, जैसे मैंने किया है। अब देखो ना, तुम्हारा सुहाग और ये सुहाग का जोड़ा चुटकी में मेरा हो गया और तुम सिर्फ देखती रह गई। और तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से, जो मुझे बड़ी जोर से लग गई, तुम्हारा थप्पड़। इसीलिए मैंने तुम्हें तमाचा मारा था पीहू, क्योंकि तुम हो ही इस लायक। कुछ शादीशुदा होकर एक दूसरी औरत के पति को छीनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये जो तुमने अभी कहा ना कि जीतने के लिए किसी को हराना पड़ता है, तो तुम ये भी जान लो कि केवल किसी को हराने की मंशा रखने वाले जीवन में एक बार तो जीत जाते हैं, लेकिन दोबारा कभी नहीं जीत पाते, समझी तुम? क्या गौरी, गेम ही नहीं समझ पाई? मैं तभी सोचूं कि तुम अच्छे से क्यों नहीं खेल रही हो। ये सब मेरा एक प्लान था, रुद्र को आधी रात में फोन करना, मेरा इस घर में आना। मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि रुद्र की जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें बीच में टपकना जरूरी था। तुमने मुझे चैलेंज किया और फिर मुझे रुद्र पर रेप का इल्जाम लगाना पड़ा। अब तुम ही सोचो कि सोचने की जरूरत तो तुम्हें है पीहू। एक तुम हो जो बिना किसी झिझक के अपनी ही इज्जत लुट जाने की झूठी कहानी परोस रही हो। एक औरत होते हुए तुम इतनी घिनौनी हरकत करने की सोच भी कैसे सकती हो? ये तो मैं जानती हूँ कि रुद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। वही तो, रुद्र मेरा रेप कैसे कर सकता था? वो तो शराब के नशे में मेरी बाहों में बेहोश पड़ा था। एक्चुअली वो फोटोग्राफ खींचने का प्लान मेरा था। देखो ना, वो मुझसे कितना प्यार करता है कि जो गलती उसने की भी नहीं वो भी कबूल कर ली। मैं झूठ मूठ की बीमार क्या हुई, उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। उसने मेरे लिए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं सुकून से रुद्र के साथ रहूंगी, उसके साथ शादी करूंगी। किसी ने सच ही कहा कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन पीहू, क्या तुमने कभी सोचा है कि अभय का क्या होगा?
एक शादी होते हुए तुम दूसरी शादी कर पाओगी? ये कानूनन गुनाह है पीहू। भाड़ में गया कानून और अभय भी। एक्चुअली अभय में वो इंटेंसिटी, वो पागलपन नहीं है जो रुद्र में है। वो तो सीधा सा इंसान है जिसका दिल मोम की तरह है। मैन्युपुलेट करना बड़ा आसान है उसे। वैसे भी अब मुझे क्या, अब तो मैं रुद्र के साथ रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। नहीं पीहू, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। मार डालूंगी मैं तुम्हें। सॉरी, कोई मेरी बीवी के साथ ऐसी बात नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ पता चल गया है घोड़ी। अपने घर बुलाकर तुम लोगों ने मेरी बीवी का अपमान किया। तुम्हारे शराबी पति ने मेरी बीवी के साथ गलत व्यवहार किया। इससे पहले तुम कुछ करो, तुम्हारे शराबी पति को मैं मारूंगा। कहाँ है वो शराबी? अभय! अरे रुको भाई। अभय तुम? अच्छा हुआ आपने मुझे सब कुछ बता दिया। अभय रुक जा! अभय रुक जा! बात करो। रुक जा! अभय, अरे क्या करना चाह रहे हो तुम? अभय, अभय रुक जा! मेरी हिम्मत कैसे हुई प्रेम वदा के साथ ऐसा करने की? अभय! अब देख मैं तेरा क्या हाल कर रहा हूं। पहले मेरी बात सुनो। सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। अबे मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात पर विश्वास करो। अबे रुद्र ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। अबे ये बात सच है कि रुद्र ने मेरी इनोसेंस का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे सजा अब हम देंगे। अबे नहीं सर, मेरी बात सुनो। आगे सर, के लिए मनाया था, पर अभी के अचानक से बीच में आ जाने से हमारा प्लान तो पूरा चौपट हो गया। बेटा अब है कोई टेप सुनाना बहुत जरूरी है। इस टेप में पीहू ने अपने गुनाह कबूल किए हैं। तो बाहर उसने तुझे कहे, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन हम जाएंगे कैसे? दरवाजा तो बंद है। मोहन, दरवाजा खोल। तू गाड़ी निकाल, जल्दी कर। राजानी तुम कहाँ आ रही हो? अरे वहाँ खतरा है। यहाँ मेरे बेटे की जान खतरे में और मैं घर पे बैठूं? मैं भी चलूंगी। और बैठो। चलो आते हैं। आप लोग चलिए, मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। ठीक है।
तरफ। अभय को फोन करके यहाँ बुलाकर मैंने बिल्कुल ठीक किया, वरना दादाजी की टेप के चक्कर में मैं भी फंस जाता। अब अभय तो रुद्र को छोड़ने से रहा, और गौरी उसका भी काम तमाम हो ही गया समझो। तेज चला। अबे प्लीज तुम शांत हो जाओ। अबे मेरी बात सुन। गाड़ी चला। अबे ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। तो क्या सही है? तो तूने क्या मेरी पत्नी के साथ वो? चुपचाप चला। अबे तुम प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज ये गन नीचे रखो। मैं जानती हूँ रुद ने गलती की है, लेकिन ये उसने जानबूझकर नहीं किया है। अब ये भी तो हो सकता है कि गौरी के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है, इसलिए ये सब हो गया हो। तुम उसकी गलती की सजा मुझे दे दो। नहीं मदा, मुझे कोई आर्गुमेंट्स नहीं सुनने। अब से फैसला होगा, इंसाफ होगा तुम्हारे साथ, और ऐसा इंसाफ जो पूरा शहर देखेगा। चला। जो देखना सुनना पड़ रहा है वो इतने सालों में नहीं हुआ, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है गौरी। लेकिन इतना याद रखना, अगर मेरे रुद्र को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। राजरानी चुप हो जाओ। अरे वक्त तो देखा करो, हम रुद्र को ढूंढने जा रहे हैं, रुद्र को, और तुम शुरू हो गई। दादाजी, दादाजी वो देखिए, वो अभय की कार। ड्राइवर जल्दी गाड़ी चलाओ। वो गाड़ी तो सुंदर टेकड़ी की तरफ जा रही है। दादू, दादू अब क्या होगा? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। भगवान ये सब क्या हो रहा है? हेलो इंस्पेक्टर नेगी, मैं रावत बोल रहा हूँ सर। सर आप सुंदर टेकड़ी पे आ जाइए प्लीज सर। हाँ तो पता नहीं अभय गुस्से में क्या करेगा, ऐसे ही गुस्सा उसके सर पर हावी है। भगवान ना करे वो कुछ ऐसा वैसा गलत कर बैठे। भगवान रुद्र की रक्षा करना। बारा ही वक्त है, आज सब कुछ खत्म। मेरी बीबी के साथ बलात्कार, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब है तुम गोली मत चलाना। तुम मुझसे अभी तक बदतमीजी से पेश आ रहे हो, मैंने अभी तक तुमसे कुछ नहीं कहा। हालांकि तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो मैं भी यही करता। लेकिन पीहू जिस बात का दावा कर रही है वो बात अभी तक साबित नहीं। चुप कर। तू कहना क्या चाहता है? मेरी बीवी झूठ बोल रही है, समझा कैसे रहा है मुझे? समझता मैं तुझे जानता नहीं। मैं ये अच्छी तरह चाहता कि तू हमारी शादी से कभी खुश नहीं था। अबे जब भी हूँ और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे दोनों सब एक साथ थे, तब अगर मैंने उसके साथ ये सब नहीं किया तो अब कैसे कर सकता था? कर सकता नहीं, किया है। शराब के नशे में तुझे होश कहाँ रहता है? जब तू नशे में गौरी को पीयू समझ कर उसके साथ बदतमीजी कर सकता है तो पीयू के साथ तो कर ही सकता है ना।
आखिरी मौका दे रहा हूं, अपनी गलती मान। अबे तुम मुझ पर गोली चलाना चाहते हो ना, तो चलाओ। चलाओ गोली और मार दो मुझे, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया है। चलाओ गोली। आज ये नेक काम हो ही जाए। एक डॉक्टर होने के बावजूद ये घिनौना काम मुझे करना पड़ रहा है। जैसे इंसान को सजा देना बहुत जरूरी है। जाने रुद्र को मारने जा रहे थे, वो बेकसूर है अभय। बेकसूर? और ये गौरी, तुम अंधी हो गई हो। मैं अंधी नहीं हुई हूं अभय, अंधे तुम हो गए हो। तुम्हें अपने गुस्से में कुछ नजर नहीं आ रहा है अभय। मेरे पास ऐसा सबूत है जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत। दादू टेप सुनाइए। ये सब मेरा एक प्लान था, रुद्र को आधी रात में फोन करना, मेरा इस घर में आना। मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि रुद्र की जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले। तुम्हें बीच में टपकना जरूरी था, तुमने मुझे चैलेंज किया और फिर मुझे रुद्र पर रेप का इल्जाम लगाना पड़ा। मेरा रेप कैसे कर सकता था? वो तो शराब के नशे में मेरी बाहों में बेहोश पड़ा था। एक्चुअली वो फोटोग्राफ खींचने का प्लान मेरा था। देखो ना, वो मुझसे कितना प्यार करता है। ये जो गलती उसने की भी नहीं, वो भी कबूल कर ली। तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। पीहो, पीहो। गोली मार दूंगी मैं। अब आप लोगों को मेरी सच्चाई पता लग ही गई है तो मेरे चुप रहने से अब कोई फायदा नहीं। मैं सच्चाई बता देती हूँ। रुद्र ने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की, तो क्या मैं छोड़ दूं उसे? हरगिज नहीं छोड़ूंगी मैं। और क्यों रे गौरी, क्या कह रही थी? कि तू अपने पति को निर्दोष साबित करना चाहती। कर दिया, खुश हो गई। रुद्र सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
पता है रुद्र, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम जिंदगी भर मेरे मजनू बने रहो। तू बीच में नहीं आएगी, समझी? नहीं तो गोली मार दूंगी मैं तुझे। मैं चाहती थी कि मेरा जुनून तुम्हारे दिल से कभी कम ना हो, लेकिन जब मुझे पता लगा कि तुम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस गौरी को दे रहे हो, तो मैंने ठान ली कि मैं इस लड़की को तुम्हारी जिंदगी से बाहर फेंक कर रहूंगी। हमेशा हमेशा के लिए। इस जन्म में तुमने मुझे थप्पड़ मार के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले जन्म में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, समझे? एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से छलांग मार देते हैं। वैसे भी ये लवर्स पॉइंट है। कहते हैं कि अगर दो प्यार करने वाले यहाँ से कूद के जान दे दें, तो वो अगले जन्म में हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो रुद्र, तुम्हारा क्या ख्याल है, बोलो। गुस्सा आ रहा मुझे अपने आप से कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। बहुत चाहता मैंने पीहू तुम्हें, लेकिन आज तुम्हारा ये चेहरा देख के घिनना रही है मुझे तुमसे। प्यार करने वाले एक दूसरे को संभालते हैं पीहू, तुम तो मुझे सजा देने वाली थी। एक बार कह दिया होता पीहू, एक बार तुम्हें बिना सोचे समझे तुम्हारे लिए अपनी जान दे देता, मर मिट जाता तुम्हारे लिए भी हो, मर मिट जाता। नहीं रुद, तुम्हें अब भी मेरे लिए मिटना होगा। परवाह नहीं है पियो, अफसोस है तो इस बात का कि मैंने तुम पे भरोसा किया। इतना भरोसा किया है कि जब तुमने मुझ पे रेप का इल्जाम लगाया, तब भी मैंने तुम पे भरोसा करना चाहा, क्योंकि तुमने अपने बचपन के प्यार को गाली दी है पीहू। आज मैं अपने होशो हवास के साथ कहता हूं कि तुम्हें प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। नहीं रुद्र, नहीं।
मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे बचाया। वो इसलिए भी हो क्योंकि प्यार में मारते नहीं, बचाते हैं। बस तुम ये बात नहीं समझी। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा है, मुझे माफ कर दो। तुमने पीहू की जान बचा के मुझ पे बहुत एहसान किया है। थैंक यू। छोड़ो मुझे, कहा ना मैंने छोड़ो। ये बोलो ना मुझे नहीं लेकर जाए, प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रही है गौरी? मैं फिर से शराब पी रही हूँ। तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम आज के बाद कभी शराब नहीं पियोगे, तो फिर इसका क्या मतलब है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, वादा क्यों तोड़ा रूठ? तो वादा तोड़ने की बात कर रही है? यहाँ सब कुछ टूट गया, रिश्ते, प्यार, भरोसा, सब कुछ। तुझे बात एक ही पड़ी है, मुझे तो ये वादा वादा नहीं करना। तुम किसी और की सजा मुझे क्यों दे रहे हो रूद्र? अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे साथ भी ये सब करो। तू ना बहुत अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है तू, एक्स्ट्रा अच्छी है तू। लेकिन मैं क्या करूं, ये जो मेरे दिल का दरवाजा है ना, मैंने वो हमेशा के लिए बंद कर दिया है गौरी। नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है इसके आगे गौरी। अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी से नहीं। मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी चिंता करती है, मेरा ख्याल रखती है और लोगों से भी मेरे लिए लड़ती है, लेकिन बस अब मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा गौरी, नहीं कर पाऊंगा। ये सब क्या कह रहे हो रुद्र? सही कह रहा हूँ गौरी, सही कह रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं है गौरी, बिल्कुल नहीं। तू चली जा क्योंकि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। तू जा। बोल चुके या कुछ और भी बोलना बाकी है? तुम्हें क्या लगता है हा? कि तुम्हारे जो मन में आएगा तुम बोल दोगे और मैं मान लूंगी? समझने की कोशिश कर गौरी, उस इंसान के साथ रहने का फायदा ही क्या है जो तुझे कभी प्यार ना करे। लेकिन तू घबरा मत, मैं हर महीने तेरे लिए पैसे भेज दिया करूंगा। बस रुद्र,
बस करो, एक और शब्द भी मत बोलना। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है हाँ? पर तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत? तुम बताओ, शादी के बाद से लेकर आज तक क्या कभी भी मैंने अपने लिए तुमसे कुछ मांगा है? कभी मैंने तुमसे ये कहा कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए? नहीं रुद्र, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम पीहू से प्यार करते हो, तो मैं तुमसे कभी कुछ नहीं करूं। फायदा और नुकसान देखकर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रही हूँ। मुझसे बहस मत कर गौरी, मत कर बहस मेरे साथ। हो गया तुम्हारा नाटक। ने कितनी आसानी से अपने दिल की बात कहती, कि मैं क्या करूं रुद्र? तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास करती तुम्हारी संगीनी है रुद्र। हमेशा वही नहीं होगा गौरी जो तू चाहती है। अब की बार वो होगा तो मैं चाहता हूं। तेरी शादी मैं कराऊंगा उस इंसान के साथ जिसके साथ तेरी शादी होने वाली थी। समझी तू? हाँ समझी तू रुद्र, प्लीज तुम क्या? ये क्या है रुद्र? और तुमने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी? हाँ गौरी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। 10 बजे तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है। तुम्हारा वहाँ रहना बहुत जरूरी है बेटा। जी लेकिन रुद्र। तू रुद्र की चिंता मत कर बेटा, हम किसी तरह उसे संभाल लेंगे। तुमने रुद्र को बेकसूर साबित कर दिया, अब कोई चिंता नहीं है। देख बेटा, यहाँ के मसले तो तुम्हारे आने के बाद भी हल हो सकते हैं, है ना? लेकिन इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम्हें अभी निकलना होगा बेटा, वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। चली जा गौरी, चली जा और बना ले अपनी जिंदगी कहीं और, क्योंकि मैं तुझे कभी कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। तू बहुत अच्छी है गौरी, बहुत अच्छी है तू, तू बहुत अच्छी है, इसलिए चली जा, चली जा गौरी, चली जा, तू बहुत अच्छी है। मैं तुझे कभी कुछ दे ही नहीं सकता। जा गौरी जा, चले जा, जा गौरी जा, जी ले अपनी जिंदगी, चली जा। एक ही पल में बदल दिया है इस जीवन का रूप, संजोग से बनी संगनी। गौरी गौरी गौरी, मुझे नींबू पानी दे दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। गौरी सुनाई नहीं दे रहा? कल रात फिर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई।
तो फिर से माफी मांगनी पड़ेगी उससे, नहीं तो नींबू पानी नहीं मिलेगा आज। गौरी, ओ गौरी, गुड मॉर्निंग छोटे भाई, मैं तुझे उठाने आ रहा था। अब गौरी नहीं है तो मैंने सोचा मैं तुझे उठा दूं। गौरी नहीं है मतलब? कल रात को नशे की हालत में तूने ही गौरी को घर से निकल जाने को कहा और वो चली गई। गौरी एक स्वाभिमानी लड़की है रुद्र, तू जानता है ये बात, और तूने उसके आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचाई। उसकी जगह कोई और भी होता तो बर्दाश्त नहीं करता। रुद्र, गौरी तुझे छोड़कर चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मैं नशे में उसे कुछ भी बोल दिया होगा तो वो सीरियसली थोड़ी लेगी उसको। मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है और मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी आई एम श्योर कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी उसे नहीं, तुझे हो रही है। इस बार तू गलत है। अरे जिस लड़की ने तुझे निर्दोष साबित करने के लिए इतना कुछ कर दिया, दिन रात एक कर दिया, ये किया तूने उसके साथ, वो तेरा कल नहीं है, आज है। वो पीहू नहीं है, गौरी है। वो नहीं करेगी तेरी हरकतें बर्दाश्त, और इसलिए चली गई वो। अब लाख कोशिश कर ले तो, लेकिन वो लौट कर नहीं आएगी भाई। रत्नेश जी, मैं कल की बोल रही हूँ। शुक्रिया। वो आदमी पैसे लेकर आ गया, बस अब इन पैसों से मेरी बेटी बच जाएगी। और आपने जो काम दिया था ना, वो भी पूरा हो जाएगा। और गौरी भी आ गई है, बस एक बार सुनहरी का ऑपरेशन हो जाए, मैं सबको लेकर दुबई चली जाऊंगी। आपने इतने सारे पैसे भेज दिए कि इंतजाम भी बहुत बढ़िया हो गया। अब हमेशा हमेशा के लिए मैं गौरी को रुद्र से अलग कर दूंगी। उस शराबी ने एक दिन भी मेरे गौरी को खुशी नहीं दी। दुबई जाने के बाद मैं गौरी के लिए एक अच्छा लड़का देखूंगी और उसकी शादी करवा दूंगी। गौरी को भी नहीं पता है वो दुबई क्यों जा रही है। रत्नेश जी सुन रहे हैं ना आप? काट दिए। देख रुद्र, अब भूल जाओ गौरी को, बदल अपने आप को। क्या बात है दादाजी, ऐसे रास्ता रोक के क्यों खड़े? नीच और गिरी हुई हरकत की है अपने छोटे भाई के साथ, विश्वास नहीं होता। पहले तो माँ बाप और अब अपना ही बड़ा भाई इसका दुश्मन हो गया। क्या किया है मैंने? पहले तो किया, और अब पूछ रहा है कि क्या किया मैं? तो अच्छा हुआ कि तेरा ये फोन उठा लिया मैंने, और मुझे तेरी सारी करतूतों के बारे में पता चल गया। लेकिन दादू हुआ क्या?
बताता हूँ, सब बताता हूँ तुझे। ये इतना बड़ा भाई जिसे तू राम समझता है, जानते इसने क्या किया? ये गौरी की लालची नानी से मिलके उसको पैसे दिए, उसे कहा कि गौरी को तू हरिद्वार से मुंबई ले जा, और मुंबई से वो उसको दुबई लेके जाने वाली है। और सब मैंने इस फोन पे सुना, उसने फोन किया था रत्नेश को, ये रत्नेश का फोन है, रत्नेश का। मेरे बड़े भाई नहीं होते तो न जाने इस वक्त मैं आपके साथ क्या करता। गौरी कहती है आपके बारे में, रत्नेश भैया कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा रुद्र, वो चाहते हैं कि तुम ऑफिस आओ, तुम काम करो, तुम आगे बढ़ो। कितना गलत सोचती है वो, असली चेहरा तो आपका अब सामने आया है। मैं गौरी के बारे में चाहे कुछ भी सोचूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे और उसके बीच में गलत फहमियां पैदा करें। मेरी गौरी को मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता, मैं लाऊंगा गौरी को वापस। दादू, गौरी को मुझसे दूर कोई नहीं रख सकता, मैं किसी भी हालत में उसे ढूंढ के रहूंगा। बेटा तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, मुझे गौरी इस घर में चाहिए, उसके लिए चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन देवर जी, मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में आप उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? मैंने कई बार नानी को भी फोन ट्राई किया, लेकिन उनका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं उसके मोहल्ले में जाऊंगा, आई एम श्योर वहां पे किसी को पता होगा कि उसकी माँ का कौन से हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। बस शाम तक का ही वक्त है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ कीजिए देवर जी। अरे उसे तो ये पता भी नहीं है कि उसे आपसे हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। आप घबराइए मत भाभी, अब रुद्र को गौरी से अलग कोई नहीं कर सकता।